गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जोंक के प्रयोग के बारे में स्टार्ट करना था और हमने कल शस्त्र कोश तक हमने कर लिया था कि चरक सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया है और इसकी लंबाई चौड़ाई शस्त्र कोश के बारे में हमने पढ़ ली थी कि 9 अंगुल चौड़ा होना चाहिए और 12 अंगुल लंबा। उसके बाद हम ये पीजी में ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हम शस्त्र विधि अध्याय कर रहे हैं, यंत्र हम पीछे कर चुके हैं, जोंक का प्रयोग। जोंक एक प्रकार की अनुशस्त्र है, यहाँ पे आचार्य ने पहले आप लोगों को बताया भी है, यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे कि जलोकादि अनुशस्त्र के बारे में जब जोंक को सब सर्वप्रथम रखा गया है, इसीलिए यहाँ से हमने जोंक का वर्णन प्रारंभ कर दिया है। कहता है कि सुकुमार प्रकृति वाले लोगों भी रक्त स्राव के लिए ब्लड लेटिंग थेरेपी, आप सभी को पता होगा हमने पहले कर चुके हैं, ब्लड लेटिंग थेरेपी जो रहती है उसके अंदर जोंक का भी एक प्रयोग होता है कि जोंक के द्वारा भी हम रक्त को बाहर निकाल सकते हैं। क्या कहता है यहाँ पर आचार्य सेविश जोंक के बारे में, जो दूषित जल मछली मेंढक सांप के शवों के सड़ने से उनके मल से उत्पन्न जो लाल श्वेत अति काली चंचल और स्थूल पिछिल जो रहती है उसका प्रयोग हम वहाँ पर लीचीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो सैविश मतलब पॉइजनस जलों का जो रहती हैं उसमें जैसे चित्र एक शब्द आया है, कहता है कि इसमें स्थूल है पिछिल है इंद्रधनुष के समान जो विचित्र दिखाई दिए ऊपर की ओर रेखा वाली और लोम वाली जलोकाएँ जो रहती हैं वो विषैली होती, इनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। सैविश जोंक के बारे में जब आचार्य यहाँ पर बात करता है तो कहता है कि रेड वाइट और वेरी ब्लैक इन कलर चपल वेरी एक्टिव थिक एंड स्लिमी लीचीज आर बोर्न इन डर्टी वाटर कंटामिनेटेड बाई पेट्रीफाइंग डेड बॉडीज ऑफ फिश फ्रॉग एंड स्नेक और देयर एक्सक्रीटा। इंद्रयुधा प्रकार की जो लीचीज रहती हैं वो इस तरह की रहती हैं। सैविश जोंक के प्रयोग से हानि भी होती है और उसकी चिकित्सा भी आचार्य ने यहाँ पर बतलाई है। कहता है इसके कारण कंडू होगा, पाक होगा, ज्वर होगा और भ्रम होगा ड्यू टू यूज़ ऑफ पॉइजनस जलों का। क्या कहता है कि यहाँ पर इचिंग, इफ़ दे वे यूज दीज जलोकाज इचिंग अल्सरेशन फीवर और गिडीनेस। कहते हैं इनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए विषनाशक रक्त पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। कहते हैं फॉर द एलिमेंट्स आर टू बी ट्रीटेड विद ड्रग्स विच मिटिगेट पॉइजन पित्त एंड ब्लड, जो पित्त की रक्त की और विषनाशक जो चिकित्सा होती है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। कहते पॉइजनस जलों का में दोज विच हैव चित्र वेरिड लाइन्स ऑन देयर बैक, जैसे आचार्य यहाँ इंद्रधनुष के समान विचित्र जो शब्द यूज किया है उसके लिए कहते हैं जिनकी बैक के ऊपर वेरियस लाइन्स हों और ऊर्ध्व वर्जगी, कहता है कि जिन्होंने मुंह ऊपर उठाया हुआ हो। कहता है कि विच आर वेरी हेयरी आर सैविश पॉइजनस एंड शुड बी रिजेक्टेड, उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है निर्विष जोंकों के लक्षण। निर्विष किसको कहते हैं, जो शुद्ध जल में उत्पन्न शैवाल के समान श्याव वर्ण गोल हो नीली हो ऊर्ध्व रेखा वाली हो बरगद आदि की छाल के समान रंग की पीठ वाली हो कोमल अंगों की तथा कुछ पीले उदर वाली जलों का निर्विष रहती है। कहते हैं दोज हु आर बोर्न इन क्लीन वाटर विच आर ब्लू राउंड इन शेप हैविंग ब्लू लाइन्स इन देयर बैक, रफ और हार्ड बैक उनकी होनी चाहिए, थिन बॉडी होनी चाहिए, स्लाइटली येलोविश बेली जिनका पेट थोड़ा सा पीला रंग का हो आर निर्विश, वो नॉन पॉइजनस होती है सो कैन बी यूज फॉर अ ब्लड लेटिंग थेरेपी। क्या कहता है जोंक लगाने की निर्विश में भी त्याज्य जोंक रहती है। कहता कि ऐसा नहीं कि निर्विश जोंक जितनी भी रहती सभी को यूज कर सकते हैं, कुछ एक को नहीं भी यूज़ करना, निषेध भी है त्याज्य भी है जिनको छोड़ देना है। कहता है कि ये जो निर्विश जोंक भी ठीक प्रकार से वमन न करें और निरंतर लगाते रहने से जल में पकड़कर शिथिल जो यदि हो जाए तो कहता है आचार्य यहाँ पर कि रक्त से मत हुई समझकर इनको छोड़ देना चाहिए। कहते इवन दीज
व्हेन दे डू नॉट वोमिट द सक्ड ब्लड फुली, जो रक्त को चूसकर और उसको बाहर नहीं निकालती है। व्हेन दे आर अप्लाइड फ्रिक्वेंटली, और उनको बार बार लगाया जाता है, यह भी निरंतर लगाते रहने से मतलब बार बार यूज़, बहुत बार यूज़ नहीं करना है जलोका को, कहता है। एंड व्हेन दे आर इनएक्टिव इवन आफ्टर गेटिंग इनटू वाटर, और जल में छोड़ने के बाद भी जो इनएक्टिव रहें, शिथिल हो जाएं, क्यों हो शिथिल क्यों हो जाती, क्योंकि थक जाती हैं ब्लड सक कर करके, कहता है। तो रक्त से मत हुई उनको समझना चाहिए, कहता है। शुड बी कंसिडर्ड एज ब्लड इंटॉक्सिकेटेड एंड शुड बी रिजेक्टेड, और इनको त्याग कर देना चाहिए, इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जोक लगाने की विधि और लीच थेरेपी, जलोका अवचरण, प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग लीचिज, क्या कहता है, कहता है परीक्षा करने के उपरांत दूसरी निर्दुष्ट जोंक को लगाएं। इनके लिए जोंक को हल्दी कल्क घुले पानी में, कांजी में या तक्र में डुबो कर रखकर फिर शुद्ध जल से सांत्वना देकर स्थान पर लगाना चाहिए, कहते यदि न लगे तब घी, मिट्टी, दूध, रक्त और शस्त्र से पाँच कर, मतलब थोड़ा सा स्किन के ऊपर जहाँ से आपको रक्त उसका लेना, ब्लड लेटिंग थेरेपी करना है, वहाँ पे थोड़ा छोटा सा कट लगा देंगे और उसके बाद वहाँ पर उसे जलोका को लगाएंगे। जब वह कंधों को ऊंचा करके मतलब आगे से मुख को उठाकर रक्त पी रही हो, उस समय उसे कोमल वस्त्र से ढाँप दें और वस्त्र के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल छिड़कते रहें। कहते हैं द लीच दैट आर केप्ट फॉर शॉर्ट टाइम इन वाटर कंटेनिंग पेस्ट ऑफ टर्मरिक ग्रेन वॉश्ड और बटर मिल्क शुड बी मेड कम्फर्टेबल बाई पुटिंग बैक इन प्योर वाटर, शुड बी मेड टू स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। द लीचिज आर अट्रैक्टिव टू द डिजायर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी बाई रबिंग द पार्ट विद घी, मड, ब्रेस्ट मिल्क, ब्लड और बाई मेकिंग ए वुंड विद ए शार्प इंस्ट्रूमेंट। वेन इट स्टार्ट्स ड्रिंकिंग ब्लड बाई रेजिंग इट्स शोल्डर्स, इट शुड बी कवर्ड विद ए सॉफ्ट क्लॉथ, क्या कहता है आचार्य। जोंक द्वारा दूषित रक्त का पहले ग्रहण किया जाता है, कहता है जिस प्रकार दूध मिले हुए जल में से हंस दूध को अलग कर लेता है, उसी प्रकार दूषित और शुद्ध रक्त के मिश्रण में से जोंक पहले दूषित रक्त को ग्रहण करती है। दस स्टक अप द लीच विल सक ओनली द वाइटेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ वाइटेटेड एंड अनवाइटेटेड ब्लड जस्ट लाइक द स्वैन, हंस के समान सक्स द मिल्क फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, क्या कहता है। जोंक का छुड़ाना और वमन कराना, लेकिन इससे पहले बताता है कि जोंक से अच्छे क्या क्या होता है, किन किन की जगह पर जोंक को लगाना चाहिए, कौन कौन सी डिजीज़ में जोंक का प्रयोग करना चाहिए। कहता है गुल्म में, गुल्म गैसियस ट्यूमर को बोलते हैं, ट्यूमर्स ऑफ द एब्डोमेन, अर्श हेमरॉइड्स में, विद्रधि एब्सिस में, कुष्ठ में, स्किन डिजीज़ में, वात रक्त, गाउट में, सीरम यूरिक एसिड बढ़ जाता है बेटा उस डिजीज़ को बोलते हैं, गल आमय और नेत्र रुझा, डिजीज ऑफ द नेक एंड आईज, विष में, पॉइजनिंग में और विसर्प में, हर्पीज में, क्या कहता है यहाँ पर आचार्य। जोंक का छुड़ाना और वमन करवाना, दंश में चुभने की दर्द या कंडू होने पर इनको अलग कर लें, कहता है जहाँ पे आपने इनको लगाया है अगर वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाए और खुजली स्टार्ट हो जाए तो इनको हटा देना चाहिए, और उतारने पर इनको वमन करवाना चाहिए ताकि जो उन्होंने ब्लड सक किया उसको बाहर निकाल दें और दोबारा उसको आगे यूज़ करने के लिए तैयार करें। इसके लिए नमक और तेल से मुख को मलें, उनके मुख को नमक और तेल लगाना चाहिए, अथवा चावल की भूसी या कनी को इससे रगड़ें। कहता है यदि जोंक स्वयं से ना उतरे तो उसके मुख पर नमक का पानी छोड़ देना चाहिए, खींच कर नहीं उसे उतारना चाहिए। कहता है व्हेन प्रिकिंग पेन और इचिंग डेवलप्स एट द साइट ऑफ द बाइट द लीच शुड बी रिमूव, दे आर देन मेड टू वोमिट द सक्ड ब्लड बाय टचिंग देयर माउथ विद सॉल्ट एंड ऑयल और बाय जेंटल रबिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द माउथ आफ्टर स्मीयरिंग फाइन राइस फ्लोर और देम आफ्टर मेकिंग देम वोमिट दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्लड इंटॉक्सिकेशन एंड शुड नॉट बी यूज अगेन फॉर 7 days। कहता है ऐसा करने के बाद वमन करा के रक्त मद से रक्षा करने के लिए, ब्लड इंटॉक्सिकेशन से रक्षा करने के लिए 7 दिन तक उसे दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। रक्तपान के बाद पुनः रक्तपान का निषेध है, कम से कम 7 दिन उसको रेस्ट देना चाहिए। जोंक को सम्यक वमन कराने से लाभ, कहता है भली प्रकार जब वमन होने पर
जोंक में पहले की भांति चंचलता और दृढ़ता आ जाती है। आफ्टर प्रॉपर वोमिटिंग द लीच रीगेन्स इट्स प्रीशियस एक्टिविटी एंड बिकम स्ट्रॉन्ग। कहता है वमन के अतियोग में थकान या मृत्यु होती है, भली प्रकार वमन न होने से जड़ता या मद हो जाता है। कहता है आफ्टर प्रॉपर वोमिटिंग द लीच रीगेन्स इट्स एक्टिविटी एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, बट टू मच ऑफ वोमिटिंग इट बिकम्स वेरी वीक एंड मे इवन डाई ऑल्सो। इफ़ वॉमिटिंग इज इम्प्रॉपर इट बिकम्स लेजी इनएक्टिव और इंटॉक्सिकेटेड, मद में रहेगी। क्या कहता है यहाँ पर आचार्य, जोंकों के अलग अलग पालन का विधान, पालन विधि लाला मूत्र मल की सड़न से बचाने के लिए इनको सातवें या पाँचवें दिन उत्तम मिट्टी युक्त जल वाले घड़ों में बदलते रहना चाहिए, क्योंकि लाला आदि के मिलने से ये विषैली हो जाती हैं। दे शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉट टू अनदर फिल्ड विद गुड मड एंड वाटर इन ऑर्डर टू अवॉइड पिट्रिफिकेशन बाय सलाइवा एक्सक्रीटा ऑफ लीचिज, बिकॉज द लीचिज बिकम पॉइजनस विद सच ए कॉन्टैक्ट। क्या कहता है, अशुद्ध रक्त निकालने पर कर्तव्य। कहता है कि अशुद्ध श्रावयेत दशान हरिद्रा गुड माक्षिकई शत धोत त्याज्य पिच वस्तु लेपाश्च शीतला के जलों का प्रयोग के बाद भी अशुद्ध रक्त की संभावना होने पर हल्दी गुड़ और मधु से दंश को श्रावित करें। बाद में शत धोत घृत वहाँ पर अनेक बार धोए हुए घृत से मिलाए पिच्चू को लगाएं, अथवा मुलैठी चंदन खस आदि शीतल वस्तुओं का लेप भी वहाँ करना चाहिए। वेन इन डाउट ऑफ इम्प्योरिटी द साइट ऑफ द बाइट शुड बी मेड टू ब्लीड बाई अप्लाइंग पेस्ट ऑफ हरिद्रा टर्मरिक गुड़ जैगरी एंड हनी मधु। लेटर ए पीस ऑफ क्लोथ सोक्ड इन शत धोत घृत और कूलिंग पेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम ड्रग्स ऑफ कोल्ड पोटेंसी शुड बी अप्लाइड ओवर द साइट। क्या कहता है यहाँ पर आचार्य, आचार्य यहाँ पे बताता है दुष्ट रक्त निकलने से लाभ क्या होगा। दुष्ट रक्त जब निकलने से रक्तिमा और वेदना तुरंत शांत हो जाती है। विद द रिमूवल ऑफ वाइटेटेड ब्लड, दूषित रक्त के निकलने से द रेडनेस एंड पेन सबसाइड इमिडिएटली। कहते हैं शेष अशुद्ध रक्त को पुनः निकालना आवश्यक क्यों है, कि अपने स्थान से चला हुआ अशुद्ध रक्त व्रण स्थान में रुकने से पर्युषित होने पर अतिशय रूप से अम्ल बन जाता है, इसलिए अगले दिन पुनः इसको निकालना चाहिए। द वाइट्यूटेड ब्लड डिस्प्लेस फ्रॉम द साइट फ्रॉम इट्स ओवन साइट एंड एक्यूमुलेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द वुंड बिकम्स ग्रेटली सोर बाय स्टैग्नेटिंग ओवरनाइट। पर्युषित स्टेग्नेटिंग ओवरनाइट क्या कहता है, हेंस इट शुड बी एक्सपेल्ड आउट अगेन, इसको फिर दोबारा से निकालना चाहिए। दूषित रक्त में अलावो घटी का शस्त्र का निषेध तथा प्रयोग। क्या कहता है, पित्त से दूषित रक्त में अलाबू या घटी यंत्र नहीं बरतना चाहिए। क्यों नहीं बरतना चाहिए, क्योंकि इसमें अग्नि का संबंध होता है। क्या कहते हैं, एक कप शेप का बड़ा कप मान लीजिए एक तरह से, और उसमें जिस भी स्थान से रक्त को निकालना है वहाँ पर उस में एक दिया जलाते हैं, दिए के ऊपर वो कप को रख देते हैं, और फिर क्या होता है कि कप वो दिया बुझ जाता है और वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे अग्नि का संबंध बन जाता है, और अग्नि का संबंध जब रक्त से बनता है और पित्त से बनता है तो रक्त और दूषित हो जाता है। कहता है इसके अलावा कफ और वात से संबंधित रक्त में तुम्बी या घटी यंत्र को यूज करना चाहिए। कहता है ए गॉर्ड और पोट कपिंग मेथड शुड नॉट बी यूज टू रिमूव द वाइटेटेड ब्लड व्हेन द ब्लड इज वाइटेटेड बाय पित्त फॉर दे आर एसोसिएटेड विद फायर इट वुड फर्दर एग्रीवेट पित्त दोषा एंड इंक्रीज एंड एग्रीवेट्स द पित्त दोषा डिजीजेज। दे सच बी यूज इन केस ऑफ वाइटेशन बाय कफ एंड वात इम्बेलेंस। कफ और वात इम्बेलेंस में हमें अलाबू या घटी का प्रयोग करना चाहिए। दूषित रक्त में श्रृंग शस्त्र का निषेध तथा प्रयोग। कफ से दूषित रक्त को सींग से भी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वह जमा हुआ होता है, किंतु वात पित्त से दूषित रक्त को सींग से निकालना चाहिए, ये यहाँ मार्क कर लेंगे। कहता है द ब्लड वाइटेटेड बाय कफ शुड नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग ए सकिंग हॉर्न श्रृंग बिकॉज ऑफ थिकनेस ऑफ द ब्लड वेयर एज ब्लड वाइटेटेड बाय वात एंड पित्त दोष शुड बी रिमूव बाय शकिंग हॉर्न। कहते हैं श्रृंग इज गुड फॉर वात एंड पित्त इम्बेलेंस नॉट इंडिकेटेड इन कफ, ये हमेशा में याद रखना है। क्या कहते हैं प्रच्छान विधि, प्रच्छान विधि मतलब एक तरह से क्या बोलते इसको,
नीडल्स रहती हैं ब्रश टाइप, और इसको स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच आप लोगों को पता होगा, प्रच्छान्न विधि एक तरह से स्क्रैपिंग या स्क्रैचिंग इसको बोला जाता है। क्या कहता है कि प्रच्छान्न जो कर्म है, इनसीजिंग टू प्रोड्यूस ब्लीडिंग, कहता है कि पाच्छान ने पाछने के स्थान के ऊपर अंग को रस्सी या पट्टी से दृढ़ता पूर्वक टोर्निकेट जिसको बोलते हैं समान रूप से बांधकर स्नायु संधि अस्थि और मर्म को बचाना चाहिए और फिर पाछ लगाना चाहिए। कहता है ये रेखाएं निचले भाग से आरंभ करके ऊपर की ओर जाती हुई होनी चाहिए और ये ना तो बहुत गहरी हों, न पास पास हों, न तिरछी हों। एक निशान पर दूसरा निशान नहीं करना चाहिए। एक देश में स्थित रक्त को पाछने से बाहर करें, जमे हुए रक्त को जोंक से निकालें। कहता है सुप्त निषेचित रक्त को सींग आदि से, मतलब जो जमा हुआ जो रक्त है उसको यहाँ निकालने के लिए आचार्य ने जोंक के प्रयोग के लिए बोला है। श्रृंग के लिए आचार्य ने ऊपर मना किया कि कफ से दूषित रक्त को सींग से नहीं निकालना है, जोंक से ही निकालना है, और सुप्त निश्चेतन रक्त को सींग आदि से बाहर निकालना है, और संपूर्ण शरीर में यदि फैला हुआ रक्त दूषित को शिरावेद से निकालना है। क्या कहता है द पार्ट ऑफ द बॉडी अबाउट द साइट सेलेक्टेड फॉर ब्लीडिंग शुड बी टाइटली विद अ रोप और लेदर स्ट्रैप और टोर्निकेट। टेंडन्स जॉइंट्स बोन्स एंड वाइटल स्पॉट्स आर अवॉइडेड एंड प्रच्छान्न कर्म स्क्रैचिंग और इनसीजन बाय शार्प स्केल्पल डन फ्रॉम below to upwards, it should be done in horizontal direction. Blood accumulated in any localized area, small area can be removed by prachan, scratching or incisions. Blood accumulated in tumors, abscess can be removed by using leeches. Blood that has produced loss of sensation at the site of accumulation by using the sucking horn, shrink, etc., gourds or pot or ghat. That which is stored all over the body by venesection. अगर संपूर्ण शरीर से रक्त बाहर निकालना है तो शिरावेद करेंगे और venesection जिसको बोला जाता है। क्या कहते हैं प्रच्छान्न आदि के अन्य प्रयोग, पिंडित रक्त में पाँचना चाहिए, अवगाढ़ गहरे रक्त में जोंक लगानी चाहिए, त्वचा में स्थित दूषित रक्त में तुम्बी घटिया सींग का यूज करना चाहिए, सर्व शरीर में फैले दूषित रक्त में शिरावेद का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। For removal of blood by incision is done when the blood is solidified by leeches, when it is deep seated by gourd or pot or horn, when it is localized in the skin and by venesection, when it is pervading the entire body by using horn, leeches, gourd of the seats and of vat and other dosha respectively. Kya kehta hai? Sruta asruja pradeha deishitai siyat vayu kopatah सैतोद कंडू शोफस्तम सर्पी उष्णेन से चाहिए। कहते जिस व्यक्ति का रक्त निकाला गया है उसे शीतल प्रदेह आदि के कारण वात का प्रकोप होने से तोद एवं कंडू युक्त शोफ हो जाता है, उस पर गर्म घी से सिंचन करना चाहिए। क्या कहता है आफ्टर द ब्लीडिंग प्रोसीजर द साइट ऑफ द ब्लीडिंग शुड बी कवर्ड विद कूलिंग पेस्ट, दिस विल रिड्यूस द पेन इचिंग एंड एडिमा ऑफ द साइट, द एरिया शुड बी बाथ विद वॉर्म घी। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त शून्य श्री मद्वाघट विरचिताया अष्टांग्रदय संहितायाम सूत्रस्थाने शस्त्र विधि नाम षडविंशो अध्याय। इस प्रकार विद्योतनी टीका में सूत्रस्थान का शस्त्र विधि नामक 26वां अध्याय समाप्त होता है। स्टे होम बी सेफ, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। रीड राइट लर्न मार्क वेरी इंपॉर्टेंट, जलों का उच्चारण विधि के ऊपर 15 मार्क, 10 मार्क और 5 मार्क तीनों ही कैटेगरी में क्वेश्चंस आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे होम बी सेफ। शस्त्रों के चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, आप उन सभी को देख लीजिएगा और कोरिलेट भी आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।